हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। सोचा है मतलब आप लोगों के लिए कि कुछ क्या बनाना है आज, तो वो बनाएंगे आज आप लोगों के लिए। कुछ अच्छी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बनाएंगे जो आप जन्नत है जन्नत। सुबह सुबह फ्रूट्स मिल जाए, ये मिल जाए। व्लॉग आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी डिफरेंट ट्रिक्स, आज कौन सा बॉडी पार्ट होगा सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। आज आपका जो बॉडी पार्ट होगा वो होगा आपका शोल्डर। शोल्डर करते तो आप सबसे पहले क्या, सबसे इजी और सबसे जो आपको अच्छी लगती हो वही आप एक्सरसाइज करते हो। तो सबसे पहले लोग क्या करते, फ्रंट रेज शोल्डर पे फ्रंट रेज डंबल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप रॉड ले लेते हो जो कि फ्रंट के लिए होती है। अब आप ये एक ये चीज समझें कि अगर आप सेम वेरिएशन में अगर दो दो एक्सरसाइज सेम डे पे लोगे, सपोज करो ऐसे, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इसमें कौन से आपके फ्रंट पे आएगा या लेटरल पे आएगा या फिर आपके रियर डेल्ट पे आएगा। अगर आप शोल्डर पे डंबल प्रेस लेते हो तो डंबल प्रेस लेते हो पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो आपके लेटरल पे लेटरल और आपके रियर डेल्ट पे आएगा, ज़्यादातर आपके लेटरल और रियर डेल्ट पे आएगा अगर आप ऐसे जा रहे हो। बट अगर आप यहीं पर अगर आप अपना रॉड पर लेते हो तो रॉड पर आप ये समझो आपका थोड़ा सा हाथ जो होगा ऐसे होगा। देखो कंपाउंड बॉडी के साथ तो आपको एक्सरसाइज करनी ही होती है, क्योंकि जब आप एक मसल के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें आपके रिस्ट भी आती है, रिस्ट आती है, एल्बो आती है, शोल्डर आता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आप एक्सरसाइज करते हो। तो अब आप जब फ्रंट पे रॉड लोगे तो आपके फ्रंट डेल्ट पे ज़्यादा आएगा। अब यही सेम वेरिएशन में अगर आप डंबल लोगे तो आपके डेल्ट पे कम आएगा, यानी कि फ्रंट पे कम आएगा और आपके रियर ट्रैप पे और लेटरल पे ज्यादा आएगा। अब आपको लेटरल ही करना है तो आप लेटरल के लिए या तो एक दिन आप अपना फ्रंट तैयार करो, फ्रंट पे काम करो, या फिर आप अपना एक दिन रियर पे या फिर ट्रैप पे काम करो, ताकि आपका एक बॉडी पार्ट पे अगर काम करोगे इस मसल पे वो अच्छे से तरीके से ग्रो होगा, बिल्डअप होगा। अदरवाइज अगर आप सेम डे पे दो दो एक्सरसाइज सेम मसल के लिए करोगे, सेम वेरिएशन में करोगे, सेम पोजिशन में करोगे, तो आपका मसल जो होगा वो फटीक हो जाएगा, यानी कि थक जाएगा और वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अगर करना ही है रॉड भी पसंद है करनी, सेम डे पे मत करो, आप एक दिन आप रॉड से कर लो, रॉड प्रेस फ्रंट रेस पे कर लो, मंडे को ट्यूजडे वेडनेसडे या थर्सडे में आप अगले नेक्स्ट दो दिन का गैप देके आप डंबल प्रेस ले लो। उसमें ये होगा कि आपके मसल भी रेडी होगा, अच्छे से ट्रेन होगा और आप जो खाना या प्रोटीन लोगे वो अच्छे से काम वर्क करेगा आपके डंबल। जो दूसरी एक्सरसाइज होगी जिसमें आप बहुत मिस्टेक्स करते हो वो होगी, आप पहले तो ये समझो कि कंपाउंड होता क्या है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर जब अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या है अपना वेट नहीं जानते हैं कि वो लोगों को कि उन लोगों को वेट कैसे लगाना चाहिए, यानी कि कितना वेट उनको लेना चाहिए जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं, सपोज करो मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी एक चीज। अब मैं अगर ये 5-5 के डंबल है इन पे मैं बहुत आराम से कर रहा हूं, अब यहीं पे अगर मैं 10 का लूंगा तो कुछ लोग होते हैं कि यूं करते हैं। तो आप एक चीज समझो, जब आप नॉर्मल पूरी बॉडी को यूज कर रहे हो, यानी कि कंपाउंड में और एकदम स्टेबल होके कर रहे हो, तो आपके जो रियर डेल्टा यानी कि रियर और लेटरल डेल्टा इस पे आया मेरे 5 से जब मैंने किया, पर वहीं से जब मैंने 10 से किया तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कितना वेट लगाएं। अब आप हैवी वेट लगाओगे, पैरों से भी यूज करो, पैरों का भी वेट यूज करोगे, शोल्डर का, बैक का, तो आपको शोल्डर करने है, बैक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो आप ये चीजें समझो कि आपको शोल्डर करना है तो कितना आपको वेट लेना चाहिए, जिसमें आपका जो रिदम होगा, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ होगी वो अच्छे से यूज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हैवी वेट करोगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो आपके लेटरल पे नहीं आएगा, प्रॉपर आपकी जो मसल पे जिस पे आप काम कर रहे हो उस पे नहीं आएगा। आप ये चीज़ें हमेशा ना गौर देना, अगर हैवी वेट से करना है तो बैठ के कर सकते हो आप, पर उसमें भी इतना हैवी नहीं कि आपकी बॉडी इतना ज़्यादा मूवमेंट करे। तीसरी एक्सरसाइज होगी जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो, वो है एक्सरसाइज करने आते हो जिम में तो आप ये सोचते हो कि मैं अपनी फ्रंट को मैं अच्छे से कर लूँ, यानी कि शोल्डर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि न्यू बिगनर्स को पता नहीं होता है।
तो मैं वही बताना चाहूंगा कि आते हैं या तो आप फ्रंट रेज ले लेते हो, उसमें क्या होता है ना, मेरे हिसाब से आप लोग ये सोचो कि आपका कौन से बॉडी पार्ट पे, यानी कि अगर फ्रंट अच्छा है, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का फ्रंट अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि या तो वो लोग फ्रंट रेज पे डंबल ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, बट आपके जो लेटरल, यानी कि जो लेटरल होता है, ये कम डेवलप कर पाते हो आप लोग, क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं देते हो। दूसरा, आपका जो रियल ट्रैप्स होते हैं, 3D लुक जो आता है, वो उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को फ्रंट रेज ही करना है आते ही जिम में, क्योंकि फ्रंट तो आपका हो ही जाता है, ऑल्दो आप लोगों को क्या होता है, पता नहीं होता है कि कौन सी एक्सरसाइज करें। तो जब भी आप आए, आप अपना ये सोचें रूटीन में कि आज आपको कौन सी एक्सरसाइज पे, यानी कि शोल्डर पे आए हो तो आपको, अगर आपका बैक यानी कि जो ट्रैप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, उस पर आप एक्सरसाइज करें, रोप ले लें आप, या फिर ऐसे बैठ के ये वाला एक्सरसाइज ले लें, या आप रॉड पे बैक साइड वाला ले लें, उससे ये होगा आपको जो ट्रैप होगा पीछे वाला, यानी कि रियर डेल्ट जो होगा वो अच्छे से डेवलप होगा। और दूसरी बात, फ्रंट वाला जो होता है वो सबका बहुत स्ट्रांग हो जाता है डंबल प्रेस करके, रॉड प्रेस करके, बट आप लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि आपका जो ये वाला जो अंदर की जो मसल होती है वो बहुत वीक हो जाती है पीछे साइड की रियर डेल्ट पे। उससे क्या होता है, आपको अभी तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे करते जाओगे तो आपको इंजरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्यों? क्योंकि जो पीछे वाली जो मसल होती है ना आपकी, ये ट्रैप और रियर डेल्ट, तो उसको बहुत वीक होने की वजह से वो आप लोगों को ग्रो भी नहीं कर पा रहे, कर पाते हो, फिर बाद में जब सोचते हो कि यार पीछे वाला मेरा ट्रेन नहीं हुआ है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो उस वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा ये सोचो जब भी आप एक्सरसाइज करो जिस भी बॉडी पार्ट की, कि आपका कौन सा वाला मसल ट्रेन नहीं है, डेवलप नहीं है, तो उस पर ज़्यादा काम करें, ना कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उस पर आप करते जा रहे हो। जरूर कमेंट जरूर शेयर करना कि आप लोगों को भी ये बेनिफिट मिल रहे हैं, ताकि मुझे ये रहेगा कि हाँ मेरी वजह से कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप कमेंट करें ज़रूर, और कमेंट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे यार आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो शेयर और कमेंट तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर।